कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी संसार के लोगों का उद्धार करते हुए ब्यार पर्वत पर जा पहुंचे, जहां दत्तात्रेय जी प्रख्यात सन्यासी हैं। वह वहां पर लेटे थे, तब मर्दाना जी ने कहा, हे महाराज, हम अब कितनी दूरी पर पहुंचे हैं? गुरु जी कहने लगे, अब हम सुमेर से 7,500 योजन पर आ गए हैं। मर्दाना कहने लगा, यहां भी कोई प्रख्यात पुरुष है? तब गुरु जी ने कहा, यहां एक सन्यासी रहता है, जिसे बहुत से साधु पूज्य मानते हैं। उसका नाम दत्तात्रेय है। वह जो ऊंचे पर्वत हैं, उन पर उसका स्थान है। हम उसे भी जरूर मिलेंगे। फिर गुरुजी दत्तात्रेय के आश्रम में जा पहुंचे। दत्तात्रेय अवधूत को सोए हुए पाया। मर्दाना जी ने कहा, अब इससे बात करनी उचित है। तब गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाना, हम तेरा कथन जरूर मानेंगे। यह सुनकर गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, श्री गुरु जी का कथन अजपा कहिए सोए जप दिसे, क्यों ना जपिए पूरन जग दिसे। जप करते अजप्पा हो जावे, तब काया निर्मल होए जावे। बिन से काया तब एक ना ध्याया, जब लग काया तब लग ध्यानी, नानक बोले सच्ची बाणी। सुन दत्तात्रेय भगवान प्राणी। श्री दत्तात्रेय गुरु नानक देव जी की इस बात को सुनकर कहने लगे, जाप जपे दृष्ट ना आवे, देख अदृष्ट प्रभ जाप पुलावे। काया था कि रसना था कि, आप नारायण होया साखी। ना किछ जपना ना किछ तपना, दव कहे सब एको थपना। दत्त कहे सुन नानक तपा, काहू तू जाप काहू ना जापा। श्री गुरु नानक देव जी दत्तात्रेय की बात सुनकर कहने लगे, जपता जाप एकंकारा, सब मूरत ते रहत न्यारा। नानक बोले सच की वाणी, सुन स्वामी तू सच समाही। तब दत्तात्रेय कहने लगा, सुन तपा निरंकार तैं देख्या है, स्वामी पूछ है चिन्ह बताओ। झूठ ना बोलो प्रत्यक्ष दिखाओ, बिन देखे क्या साखी हो, झूठ बोल के जन्म ना खोवो। तब गुरु जी कहने लगे, झूठ ना बोलो तत्व विरोलो, हाजर चिन्ह दिखाओ। जोगी और सन्यासी पर मैं तिनको कर पहुंचाओ, वेद शास्त्र कर देवता भूले, तिनको नहीं ठहराओ। एक निरंजन मूर्त आछी, ताकि परस्पर गुण गाओ। श्री दत्ता गुरु नानक देव जी की इस बात को सुनकर फिर बोले, स्वामी बोले तत्व विरोले, क्या झूठी बातें करता। मुख से वचन उचारो ओही, जो तुमरे में शक्ता। ओही बाता कहिए मुखते, जियो निरंजन पावे। इन वचनों कुछ पाइये नाही, काहे सत गवावे। तब गुरु नानक देव जी फरमाने लगे, सत हमारा कदी ना जावे, हम बोले झूठ ना राई। एक निरंजन संग हमारे अठे पहर रहाई, रोम रोम ओही बोले, दूजा अवर ना कोई। ऐसे दर्शन कारण स्वामी, ब्रह्म हरो सब लोई। सो दर्शन हम गुरु दिखाया, मीन ना रहे ओ मेखा। 10 अवतार किसे ना ही देखिया, सो हूं प्रत्यक्ष दिखिया। तब श्री दत्तात्रेय कहने लगे, बातें पर प्रतीत ना आवे, जो प्रत्यक्ष ना दिखे। ऐसी बात ना सुनिए आगे, शट दर्शन को पेखे। तू तो बात सुनावे, अचरज आत्म नाहे पतीजे।
स्वामी कहे सुन नानक तपे झूठ सुने क्यों कोई रीझ है। तब गुरु नानक देव जी ने दत्तात्रेय को बताया रीझोगे जब नैनी देखो तुम्हारा चित्त कठोर है जटा वधाई देही गाली जैसे पाहन कोरे कंबल खूब चढ़ावे पावे उज्जल होए ना जावे नारी दस क्षेत्र करे सिंगारा कंतन कबूर आवे दत्तात्रेय जी का कथन। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर दत्ता जी इस प्रकार बोले चल हो तपा निरंजन कैसा जो तुम कहत हो देखिया शास्त्र वेद पुराण पुकारे जह विद कहू ना लेख्या अचरज बात सुनाई तुम हो हम तो पर मत पटका हलचल उपजी ठहर ना पावे चित्त हमारा अटका। तब गुरु जी कहने लगे मूरत लाल सब्ज है काया जैसे रोम सवरना हीरा मोती चरण दिखाइए चंद सूरज दो नैना दांत जड़ाओ बने जवाहर पवा सूल शक्कर चलके नक दोस्त खड़े की तारा जैसे दामन चमके चल कर वेखो तुम्हें दिखाऊं तब तू माने स्वामी निरंजन के नानक सदा हजूरी आठा पहर सलामी। तब श्री दत्तात्रेय जी कहने लगे देखी शक्त तुम्हारी नानक जो बोले सो साची अब प्रतीत पई है हमको हृदय अंदर नाची तांसो गुरु तुम्हारा कई है जिन तुमको देख दिखाया ऐसा आगे और ना साधु जो नानक तपा बनाया। तब श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे शट दर्शन पंथो देखो पेक तुम्हारा ऊंचा जात वर्ण सब सेवक तुमरे संग ना कोई पहुंचा रिद्ध सिद्ध सब पीछे डाली एक कह किया अधारा नानक कहे सुन दत्ता स्वामी सच्चा पेश तुम्हारा। इसके पश्चात गुरुजी और दत्तात्रेय जी परस्पर अभिवादन करने लगे। तब भाई बाला जी और मर्दाना जी मुस्कुराने लगे। मर्दाना जी ने कहा हे बाला जी हमारे गुरु जी के आगे कोई भी ठहर नहीं सका। तब बाला जी कहने लगे जी हाँ मर्दाना जी हमारे गुरु जी सबसे ऊपर हैं और इनकी अपार महिमा है और हमारे गुरु जी धन्य हैं। अब गुरु जी काग भुषंडी के आश्रम में गए जहाँ अनेकों ऋषि पक्षियों के रूप में काग भुषंडी जी के साथ कथा सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो समस्त ऋषि अपने अपने आश्रमों को गए। तब गुरु जी ने कहा हे मर्दाना जी तुम इस समय कुछ कीर्तन का समय बांधो। काग भुषंडी ने जब कीर्तन की आवाज सुनी तब कहने लगा यह कीर्तन कौन कर रहा है। तब मर्दाना जी को देखकर उसने प्रश्न किया कि तुम किसका कीर्तन करते हो। तब मर्दाना जी ने उत्तर दिया कि यह सभी कीर्तन गुरु नानक देव जी के कहे हुए हैं। तब भुषुंडी ने कहा क्या वही नानक है जिसने कलयुगी जीवों के उद्धार हेत अवतार धारण किया है। तब मर्दाना जी कहने लगे हे ऋषिवर यही गुरु नानक देव जी हैं जो आपके सन्मुख विराज रहे हैं। यह सुनकर भुषुंडी ने बहुत ही प्रसन्न होकर गुरु जी के चरणों पर नमस्कार किया। तब गुरु जी प्रसन्न हुए और कहा हे ऋषिवर आप उत्तम श्रोताओं में से हो क्योंकि आप शब्द के महत्व को जानते हो। तब काग भुषुंडी कहने लगे हे नानक देव जो पुरुष शब्द के तात्पर्य को जान जाते हैं वही अम्य रस पान करते हैं जो संगीत की तान का ज्ञान रखते हैं वह छिलका खाने वाले हैं। तब भाई बालाजी बोले आप परमहंस हो और महापुरुष हो तथा परमेश्वर के प्रेमी हो आपने यह काग देह क्यों अपना रखी है। काग भुषुंडी कहने लगे हे संतवर
मैंने इसी देह की कृपा से प्रभु दर्शन पाया है तथा इसीलिए मुझे यह देह परम प्रिय है। जब प्रलय होती है तब मैं यही देह धारण करता हूँ। यह शक्ति भी मैंने इसी देह से प्राप्त की है तथा मेरी मृत्यु मेरी ही इच्छा पर है। मैं जब चाहूँ तभी मरूंगा, यह भी इसी देह की कृपा का फल है। तब भाई बालाजी कहने लगे, यह तो इस देह की महिमा आपने वर्णन की है। मैं पूछता हूँ कि इस देह का कारण क्या है। काग ने कहा, सुनो, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मुझे गुरु ने निर्गुण उपासना बताई। जब मैंने सगुण उपासना पूछी तो गुरु ने मुझे कहा, तू तो काग की भांति काएं काएं करता है। मैंने गुरु के चरणों में मस्तक रख कर कहा, हे गुरुदेव, आप सत्य वक्ता हैं, आपका कथन सत्य होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर भले कव्वे का हो जाए परंतु ईश्वर नाम से जो प्रेम है वह सदैव बना रहे। तब गुरुजी ने मुझे वर दिया कि तुमको ईश्वर भक्ति सदैव प्रसन्न रखेगी और मृत्यु तेरे अपने अधीन होगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे। फिर मैंने काग देह प्राप्त की और राम नाम महामंत्र को जपना मेरा कृत्य चला आ रहा है। राम नाम महामंत्र का रस पान करता चला आ रहा हूँ मैं। मेरे जीवन में अनेक बार महाप्रलय हो चुकी है। यदि जल की प्रलय होती है तब जल हो जाता हूँ, अग्नि से अग्नि बनता हूँ। जैसे प्रलय होती है वैसा बनता हूँ। मुझे श्वासों का संयम प्राप्त है। यह बात सुनकर गुरु नानक देव जी कहने लगे कि रोम ऋषि और आपको चिरंजीव यापन मिला हुआ है। तुमको राम नाम स्मरण प्राप्त है इसलिए जन्म मरण से छूट चुके हो और आपका कथन बिल्कुल सत्य है। इसके पश्चात गुरुजी हम दोनों को साथ लेकर आगे चले। फिर अल्लाह चीन पर्वत पर गए। गुरुजी कहने लगे, मर्दाना, यह अल्लाह चीन पर्वत है। इस पर अल्लाह नाग पक्षी बहुत होता है और यहाँ पर प्रहलाद भक्त का राज्य है। मर्दाना जी कहने लगे कि क्या प्रहलाद भक्त का हमें दर्शन हो सकता है। गुरुजी ने कहा कि हाँ, तुमको उसका अवश्य दर्शन होगा। अभी यह बातें हो रही थी कि अल्लाह पक्षियों ने हम सबको आकर घेर लिया। उन पक्षियों का सरदार कहने लगा, अल्लाह मिलकर पाया तेरा, कौन ग्रह तुम करो बसेरा, कौन मनोरथ यहाँ आए, कौन नाम तुम किनो पठाए, अल्लाह चीन पूछे है बाबा, पिंड पाए कर फिरते काबा। तब गुरुजी अल्लाह चीन के इस प्रश्न को सुनकर कहने लगे, अल्लाह मिलकर पाया केरा, हृदय पीतर लिया बसेरा, दर्शन कारण यहाँ आया, एक निरंजन आप ले आया, छूट जाए जे होए कचाया, जद पाका तब ठनक बजाया, सुन अल्लाह चीन नानक कह अरदास, एक निरंजन राखी आस। यह सुनकर वह पक्षी गुरु जी के चरणों पर मस्तक धरने को आया। तब गुरु जी ने अपने चरण पीछे कर लिए और कहा, हे पक्षीवर, हम आपके दर्शनों को यहाँ आए हैं। अल्लाह ने कहा कि हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। तब मर्दाना जी ने पूछा, हे पक्षी, वह आपके जो महाराज हैं वह कहाँ हैं? तब उस पक्षी ने कहा, वे हमारे महाराज हैं, आप उनके दर्शन अवश्य करें। फिर गुरु नानक देव जी भाई बाला और मर्दाना को लेकर ऊंचा पर्वत पर गए जहाँ प्रहलाद जी
ध्यान व स्थित अवस्था में बैठे थे। गुरुजी ने वहां जाकर सत्य करतार का शब्द उच्चारण किया। प्रहलाद जी ने नेत्र खोलकर कहा, हे भाई, आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? तब गुरुजी ने उत्तर दिया कि हम परमात्मा के बंदे हैं और यहां लाने वाला भी वही है। यह सुनकर प्रहलाद कहने लगा, बासन तोए अच्छा कीना, कौन अच्छा दूध चोए लीना, कौन समायन बीच समाया, कौन ठौर रख दही जमाया, कौन जवन कर कटिया माखन, कौन ताऊ दे निर्मल चाखन, पुछे प्रहलाद सुन तपा, किसते बूझिया आप ते आपा। प्रहलाद जी की इस बात को सुनकर गुरु नानक देव जी कहने लगे, तन तोए अच्छा बासन कीना, क्षमा चोए दूध माथ लीना, लगन अगन ते ताऊ बनाया, गुर उपदेश समान समाया, गुर कृपा साथ लीना माखन, हरी कृपा निर्मल तत चाखन, संत संग ले दही जमाया, मत को मत सवद प्रगटाया, प्रणवे नानक भगत प्रहलाता, मुहे सूझ पड़ी है आद जुगाता। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर प्रहलाद जी फिर कहने लगे, धन्य गुरु जिन किया ज्ञान, कालजुग अंदर अच्छा ध्यान, अच्छा करनी अच्छा भेष, अच्छा बुद्धि अच्छा विवेक, सुन नानक प्रत्यक्ष साथ, राम नारायण तुमरे साथ। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे, तन सो राम तन जिन चलत दिखाया, आत्म राम ऐसी भगत पई तुम्हारी, तत्काल प्रभु कीनी सारी, सास सास प्रभ नाम चितारियो, नानक जन का काज सवारियो। तब भक्त प्रहलाद कहने लगे, हे गुरु नानक देव जी, आपको इस कलयुग में बड़ा भक्त बनाया है, आपकी ही संगत से अनेकों प्राणियों का भला होगा और आपका अनंत प्रताप होगा। तब भाई मर्दाना जी कहने लगे, हे प्रहलाद जी, आप भी तो परम भक्त हैं तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। प्रहलाद जी कहने लगे, हे भाई मर्दाना जी, इस स्थान पर या तो कबीर पहुंचा है और या यह गुरु नानक यहाँ आया है। यहाँ आना कोई सुगम कार्य नहीं है, एक और महापुरुष होगा जो यहाँ पहुंच सकेगा। मर्दाना जी कहने लगे, भक्तवर वह पुरुष कौन और कब होगा? तब प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि जब गुरु नानक देव यहाँ आएंगे तो इनके 100 वर्ष पश्चात आएगा, अर्थात यहाँ केवल 3 आदमी ही आने हैं, एक तो भक्त कबीर और दूसरे श्री गुरु नानक देव जी, इनके पश्चात तीसरा आएगा। तब भाई मर्दाना जी कहने लगे, हे प्रहलाद जी, कबीर तो जुलाहा था और नानक देव क्षत्रिय है, परंतु वह तीसरा किस जाति का होगा? तब प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, मर्दाना जी, पंजाब की धरती और वर्ण उसका जाट होगा तथा नगर बटाला में होगा। उस समय मर्दाना गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं भूल गया हूँ। गुरु जी ने कहा, हे भाई मर्दाना, जो पूर्ण पुरुष होते हैं वह सभी संशय दूर कर देते हैं। फिर प्रहलाद ने कहा कि गुरु नानक पूर्ण है और जहाँ पूर्ण पुरुष जाते हैं उस धरती के भाग्य महान हो जाते हैं, तथा वह महापुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तब सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब गुरु जी भाई बाला और मर्दाना जी को साथ लेकर भगत ध्रुव के स्थान की ओर चल पड़े। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।